हेलो फ्रेंड, बंद्रा किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हरे प्याज की सब्जी। इस सब्जी को हम बहुत ही सिंपल बनाएंगे और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको भी पसंद आएगी। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। 250 ग्राम हरे प्याज को साफ करके इसके पत्ती और प्याज को काट कर ले लिए हैं और एक आलू को काट कर ले लिए हैं। अब चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस में। एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल को ले लिए हैं, फ्लेम को ऑन कर दिए हैं। तेल को गर्म होते ही इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच जीरा। जीरा को चटकने देते हैं। अब डाल देंगे हरी मिर्च, 4-5 कली लहसुन को दरदरा कूट कर ले लिया, इसे भी डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लहसुन और मिर्च अच्छे से भून गए हैं। एक कटा हुआ आलू को अब डाल देंगे और चला देते हैं। अब डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसे ढक देंगे ताकि जो आलू हमारा है वह थोड़ा सा पक जाए। 3 मिनट हो चुके हैं, वापस अब चेक कर लेते हैं। आलू लगभग पक चुके हैं। अब डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा प्याज, चला देते हैं। अब इसे वापस ढक देंगे और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। इसमें पानी नहीं डालना है, ऐसे ही पकाएंगे। अब वापस ढक्कन हटाएंगे और चला देंगे। अब यहीं पर नमक डाल देंगे। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि पहले भी नमक को डाले हैं तो नमक हिसाब से डालें और अच्छे से मिक्स कर देंगे। वापस फिर से ढक देंगे, वापस चेक कर लेते हैं। तो ये लो, हरे प्याज की सब्जी पक गई है। इसे बनाना भी बहुत आसान और सिंपल है और बहुत कम तेल में बिना मसालों की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार है। तो इसे सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ सर्व करें। खाने में ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो के नीचे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।